हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। तो हम लोग क्या पढ़ रहे थे, हम लोग चैप्टर 15 पढ़ रहे थे, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन एट सैचुरेटेड कार्बन। हमारा ये लेक्चर नंबर कौन सा है? 11 लेक्चर नंबर है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्विक रिकैप देख लेते हैं कि हमने लास्ट लेक्चर में क्या क्या पढ़ा था, आपका क्विक रिविजन हो जाएगा इससे, ठीक है। सबसे पहले हमने देखा था कि अभी हद तक हम क्या पढ़ रहे थे, अभी तक हम sp2 हाइब्रिडाइज सेंटर पर हम न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन देख रहे थे, पर हमको अब क्या पढ़ना है, हमको sp3 हाइब्रिडाइज सेंटर पर हमको न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन पढ़ना है। इसकी दो मैकेनिज्म हमने देखी थी, एक क्या होती है हमारे पास SN1 मैकेनिज्म होती है, एक क्या होती है हमारे पास SN2 मैकेनिज्म होती है, ठीक है। फिर हमने देखा था कि हमारे पास ये जानना क्यों जरूरी है कि हमारे पास कौन सी रिएक्शन किस मैकेनिज्म से जा रही है, ठीक है। हमारी कोई कुछ रिएक्शन SN1 पाथवे से जाएंगी, कुछ रिएक्शन SN2 पाथवे से जाएंगी, ठीक है। तो हमको ये जानना क्यों जरूरी है कि SN1 से गई, क्यों SN2 से गई, ठीक है। उसके बाद हमने काइनेटिक एविडेंस देखा था, ठीक है। तो हमने रेट वर्सेस हमने न्यूक्लियोफाइल की कंसंट्रेशन वर्सेस रेट वर्सेस एल्किल हैलाइड की कंसंट्रेशन के बीच ग्राफ देखा था। फिर हमने उसके बेसिस पे देखा था कि हमारे पास SN2 रिएक्शन में कैसा ग्राफ मिलता है, हमको लीनियर ग्राफ मिलता है y=mx टाइप का दोनों केसेस में, राइट। फिर हमने SN1 रिएक्शन देखी थी। SN1 रिएक्शन में हमने देखा था कि SN1 रिएक्शन और SN2 रिएक्शन में कैसा ग्राफ जाएगा। यहाँ पे हमारे पास देखिए, हमारे पास SN2 में क्या था, यहाँ पे हमारे पास लीनियर ग्राफ था y=mx टाइप का, यहाँ पे भी क्या है y=mx है, पर इस यहाँ पे m क्या है, 0, ठीक है। मीन्स y=0 ये है, ठीक है, सेकेंड वाला ग्राफ। ये तो हमारे पास y=mx टाइप का ही है पहला वाला, क्योंकि यहाँ पे स्लोप है, यहाँ पे स्लोप 0 नहीं है, ठीक है। तो SN2 रिएक्शन में क्या हो रहा था, हमको दोनों सेम टाइप के ग्राफ मिल रहे थे, बस स्लोप डिफरेंट था। यहाँ पे क्या है, हमको ग्राफ भी अलग है और स्लोप तो अलग है ही है, ऑब्वियस सी बात, ठीक है। फिर हमने देखा था कि हम कैसे डिसाइड करेंगे कि कौन सी रिएक्शन SN1 पाथवे से जा रही है, कौन सी SN2 पाथवे से जा रही है, बिना ये देखे काइनेटिक डेटा मतलब कि स्टडी करे हुए, बिना देखे उसको कैसे पता कर सकते हैं कि ये SN1 से जाएगी कि SN2 से जाएगी, ठीक है। क्योंकि हमेशा हम SN1 कि हमेशा तो हम ग्राफ मतलब प्लॉट तो करेंगे नहीं कि हम हमेशा रेट वर्सेस रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन के बीच ग्राफ देखें, ठीक है। तो कुछ ऐसा तरीका होना चाहिए कि हम सिर्फ मतलब कि रिएक्टेंट देख के बता दें कि SN1 से जाएगी कि SN2 से जाएगी, ठीक है। तो हमने देखा था कि हमारे पास जो 3 डिग्री कार्बोकेटायन होता है, 3 डिग्री मतलब एल्किल हैलाइड होता है, वो कैसे जाता है हमारे पास SN1 रिएक्शन के पाथवे से जाता है, जबकि हमारे पास जो 1 डिग्री हैलाइड होता है वो किससे जाता है, SN2 पाथवे से जाता है, ठीक है। बात आती है हमारे पास 2 डिग्री हैलाइड की, तो 2 डिग्री हैलाइड SN1 और SN2 दोनों से जा सकता है। फिर वहाँ पे हमारे पास जो कॉन्सेप्ट आएगा वो न्यूक्लियोफाइल का कॉन्सेप्ट आ जाएगा, ठीक है, कि हमारे पास न्यूक्लियोफाइल कैसा है, ये सब चीज़ें हम आगे डिस्कस करेंगे, ठीक है। इतना तो बेसिक हमने देख लिया था। अब हम यहाँ पे आज से डिस्कस करते हैं। अभी हमारे पास ये क्या है, एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम है। ये क्या है हमारे पास, एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम, ओके। और किस रिएक्शन के लिए है हमारे पास, ये SN1 रिएक्शन के लिए, ठीक है। ये एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम है हमारे पास किस रिएक्शन के लिए, SN1 रिएक्शन के लिए, ठीक है। देखिए हमारे पास ये 3 डिग्री हैलाइड है, ठीक है, 3 डिग्री हैलाइड है, किससे जाएगा हमारे पास, SN1 रिएक्शन से जाएगा, ठीक है। इतना तो हमने देखे बता दिया। हमारे पास क्या है, रिएक्टेंट है, प्रोडक्ट है, ये हमारे पास इसके बीच और इसके बीच रिएक्शन हो रही है और हमको क्या मिल रहा है, प्रोडक्ट, ठीक है। मतलब कि ये क्या हमारे पास न्यूक्लियोफाइल है और यहाँ पे हमारे पास क्या वर्क करेगा, एज इलेक्ट्रोफाइल, ठीक है। सबसे पहले स्टेप में हमारे पास क्या होगा, सबसे पहले स्टेप में ब्रोमीन यहाँ से निकल जाएगा और हमको क्या मिलेगा, कार्बोकेटायन मिलेगा, ठीक है। फिर दूसरे स्टेप में क्या होगा, हमारे पास वाटर इस पर अटैक करेगा, राइट, तो हमको क्या मिल जाएगा, प्रोडक्ट मिल जाएगा, ठीक है। आफ्टर लॉस ऑफ H+ हमको ये क्या मिल जाएगा, 3 डिग्री एल्कोहल, ठीक है। अब इसको हमको एनर्जी, इसका एनर्जी डायग्राम है, ये क्या हमारे पास एनर्जी है और ये क्या है, रिएक्शन कोऑर्डिनेट, ठीक है, रिएक्शन कोऑर्डिनेट, ठीक है। तो रिएक्शन कोऑर्डिनेट बेसिकली क्या होता है हमारे पास, जहाँ पे हमको बॉन्ड एंगल और हमारे पास रिएक्शन टाइम के साथ कैसे वेरी कर रही है, हमारे पास बॉन्ड एंगल के अलावा हमारे पास बॉन्ड लेंथ, सारे पैरामीटर्स को जो डिफाइन करता है वो क्या होता है, रिएक्शन कोऑर्डिनेट होता है, ठीक है। अब देखिए ट्रांजिशन स्टेट हमारे पास यहाँ पे 2 है, इसको हम बोल देते हैं ट्रांजिशन स्टेट 1, इसको बोल देते हैं ट्रांजिशन स्टेट 2, ठीक है। तो हमारे पास देखिए 2 स्टेप हैं, जैसे हमारे पास सबसे पहले क्या होगा, कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन, यहाँ तक हमारे पास क्या हो रहा है, यहाँ तक हमारे पास क्या हो रहा है, कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन, ठीक है। फिर ये इंटरमीडिएट बन गया कार्बोकेटाइन, ठीक है। अब इसके बाद क्या होगा, वाटर जो है इस पर अटैक करेगा, ठीक है। तो हमारे पास ये क्या हो गया, सेकेंड स्टेप, ठीक है। तो हमारे पास 2 ट्रांजिशन स्टेट बन रही है, ठीक है। तो पहली ट्रांजिशन स्टेट में क्या होगा, ब्रोमाइड आयन हमारे पास क्या हो रहा होगा, धीमे धीमे लीव कर रहा होगा, ठीक है। और यहाँ पे क्या होगा, धीमे धीमे OH वाटर क्या होगा, बॉन्ड फॉर्म हो रहा होगा ट्रांजिशन स्टेट में 2 में, ठीक है। तो यहाँ रिएक्टेंट से देखें किसकी किस ट्रांजिशन स्टेट की एनर्जी ज़्यादा है, ट्रांजिशन स्टेट 1 की
क्योंकि ट्रांजिशन स्टेट क्या है, लोअर पे है, जबकि ट्रांजिशन स्टेट वन क्या है, हायर पे, ठीक है। मतलब कि पहले स्टेप को कराने के लिए हमको क्या ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत है, मान लीजिए एक्टिवेशन एनर्जी है, ठीक है। इस स्टेप को कराने के लिए हमको क्या चाहिए, ज़्यादा एनर्जी चाहिए, ठीक है। ज़्यादा एनर्जी चाहिए मतलब कि हमारे पास रेट क्या होगी, स्लो होगी, ठीक है। जो स्लो स्टेप होता है वो क्या होता है हमारे पास, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, ठीक है, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, ठीक है। तो आपसे कोई अगर पूछता है कि हमारे पास जो SN1 रिएक्शन है उसमें हमारे पास दो स्टेप होते हैं, उसमें से रेट डिटरमाइनिंग स्टेप कौन सा होता है, तो हम क्या बोलेंगे, जो हमारे पास कार्बोकेटायन का फॉर्मेशन है, जो हमारे पास से क्या कंक्लूजन निकला, हमारे पास सिर्फ एक कंक्लूजन निकला कि हमारे पास जो ट्रांजिशन स्टेट वन है, जो हमारे पास कार्बोकेटायन का फॉर्मेशन है, जो पहला स्टेप है वही हमारे पास रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है, जो कि स्लो स्टेप होता है, जिसमें हमारे पास किस क्या इन्वॉल्व होता है, सिर्फ हमारे पास एल्किल हैलाइड इन्वॉल्व होता है, ठीक है। जिसमें हमारे पास क्या होता है, एल्किल हैलाइड इन्वॉल्व होता है, इसीलिए हमारे पास ऑर्डर ऑफ रिएक्शन में क्या होता है, हमारे पास वन होता है, क्योंकि उसमें हमारे पास न्यूक्लियोफाइल इन्वॉल्व नहीं होता है। चलिए अब आगे डिस्कस करते हैं। अब हमें क्या पढ़ना है, शेप एंड स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन, ठीक है। तो अगर आपको थोड़ा पता हो, बेसिक पता हो, तो हमने पहले पढ़ चुके हैं कि कार्बोकैटायन का जो शेप होता है वो प्लेनर होता है, ठीक है। अगर नहीं पता कोई बात नहीं, ओके। तो हमारे पास जो कार्बोकैटायन होती है, सबसे पहली बात क्या होती है, इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट स्पीसीज होती है, ठीक है। अब इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट स्पीसीज क्यों होती है, देखिए हमारे पास कार्बोकैटायन क्या होता है, हमारे पास तीन बॉन्ड बनाता है, ठीक है। आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, ये हमारे पास टर्शियरी ब्यूटाइल कैटायन है, ठीक है। टर्शियरी ब्यूटाइल कैटायन देखिए कितने बॉन्ड बना रहा है, तीन बॉन्ड। अब एक बॉन्ड बनाने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए होते हैं, दो। तो हमको टोटल यहाँ पे तीन बॉन्ड बनाने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, 6 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए हमको कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए होते हैं, 8 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। पर इसके पास कितने हैं, सिर्फ 6 इलेक्ट्रॉन। तो ये हमारे पास क्या है, इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट है, मतलब इसके पास इलेक्ट्रॉन की है कमी है। कार्बन आइटम हैज ओनली 6 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, हमने देख लिया। विच इट यूजेस टू फॉर्म 3 सिग्मा बॉन्ड्स, सही बात है, एंड देयर फोर ऑल्सो कैरीज एन एम्प्टी पी ऑर्बिटल, ठीक है। इसके पास देखिए एम्प्टी पी ऑर्बिटल है, ये आपको दिख रहा है, एम्प्टी पी ऑर्बिटल है, राइट। अब देखिए हमारे पास प्लेनर है, इसका हाइब्रिडेशन क्या होगा, हमारे पास sp2 होगा, 3 सिग्मा बॉन्ड है सिर्फ, इसका हाइब्रिडेशन क्या है हमारे पास, sp2, ठीक है। अब देखिए हमारे पास बॉन्ड एंगल यहाँ पे क्या होगा, हमारे पास 120 डिग्री, ठीक है। बॉन्ड एंगल क्या होगा हमारे पास, 120 डिग्री, ठीक है। अब इसका टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर क्यों नहीं पॉसिबल है, यहाँ पे देखिए हमारे पास क्या दिखा रहा है, इनकरेक्ट टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर। इसका टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर पॉसिबल क्यों नहीं है, क्योंकि अगर इसका यहाँ पे टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर होता, हमारे पास बॉन्ड एंगल कितना होता, 109 डिग्री 28 मिनट, ठीक है। तो हमारे पास ये क्या होते हैं, बॉन्ड्स क्या होते हैं, पास पास होते हैं। 120 क्या होता है हमारे पास, देखिए जितना एंगल ज्यादा होगा उतने बॉन्ड्स क्या होंगे, बॉन्ड्स के बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे, दूर दूर होंगे, ठीक है। तो 120 डिग्री में क्या होंगे हमारे पास, इलेक्ट्रॉन्स दूर दूर होंगे, जबकि यहाँ पे क्या होगा, अगर 109 डिग्री 28 मिनट बॉन्ड एंगल हो जाए, तो इन बॉन्ड्स के बीच क्या होगा, बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स के बीच में क्या होगा हमारे पास, रिपल्सन होगा, ठीक है। पर यहाँ पे क्या होगा हमारे पास, sp2 हाइब्रिडाइजेशन में हमारे पास, जब हमारे पास ये वैकेंट ऑर्बिटल क्या होगा, पी ऑर्बिटल हो और हमारे पास हाइब्रिडाइजेशन sp2 हो, तो हमारे पास क्या होगा, बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन के बीच लेस रिपल्सन होगा, ठीक है, यही बता रहा है, ठीक है। थिंक ऑफ इट्स वे, ओनली फिल्ड ऑर्बिटल कंट्रीब्यूट टू द एनर्जी ऑफ अ मॉलिक्यूल, ठीक है। अब देखिए एम्प्टी पी ऑर्बिटल ही क्यों है, एम्प्टी एस या एम्प्टी sp हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल क्यों नहीं है, क्योंकि देखिए हमारे पास और जो पी ऑर्बिटल होता है उसकी एनर्जी होती है एस और एस या sp या sp2, इन सभी ऑर्बिटल से ज्यादा होती है, ठीक है। अगर हमारे पास अनफिल्ड ऑर्बिटल की एनर्जी ज्यादा है, तो हमारे पास फील्ड की क्या होगी, कम होगी, फील्ड की क्या होगी हमारे पास, कम होगी, क्योंकि हमारे पास जितना लोअर एनर्जी ऑर्बिटल, जब हमारे पास मिक्सिंग ऑर्बिटल्स होती है, तो ऑर्बिटल जितना लोअर एनर्जी आता है उतना ही हायर एनर्जी आता है, ठीक है। तो अगर हायर एनर्जी ज्यादा होगा, तो लोअर भी क्या होगी, कम होगी, ठीक है। और हमको मतलब क्या होता है, फील्ड ऑर्बिटल से मतलब होता है, ठीक है। अनफील्ड ऑर्बिटल की एनर्जी हम ज्यादा करना चाहेंगे, और फील्ड की क्या करना चाहेंगे, कम करना चाहेंगे। अगर हमको अनफील्ड की ज्यादा करनी है, तो हमको क्या चाहिए, हमको एम्प्टी पी ऑर्बिटल चाहिए, ठीक है, यही कह रहा है, ठीक है, ओके। तो यहाँ पे लिखा भी है, पी ऑर्बिटल्स आर हायर इन एनर्जी देन एस ऑर्बिटल्स और क्या sp या sp2 या sp3, सो द कार्बोकैटायन कीप्स द पी ऑर्बिटल एम्प्टी, ठीक है, ओके। आगे देखते हैं, वी नो दैट द टर्शियरी ब्यूटाइल कैटायन इज स्टेबल इनफ टू ऑब्जर्व बिकॉज द वर्क ऑफ जॉर्ज ओला हु वन द नोबल प्राइज फॉर केमिस्ट्री इन 1994, ठीक है। तो जो ओला साइंटिस्ट हैं, उन्होंने टर्शियरी ब्यूटाइल कैटायन को, ये हमारे पास जो टर्शियरी ब्यूटाइल कैटायन है, इसको आइसोलेट किया था, ठीक है। अब इसको आइसोलेट करने में चैलेंज क्या आए थे, चैलेंज इज दैट कार्बोकैटायन्स आर वेरी रिएक्टिव, क्योंकि ये बहुत ही रिएक्टिव होता है। सो ओलाज आइडिया वाज टू हैव अ सॉल्यूशन कंटेनिंग नो न्यूक्लियोफाइल्स, ठीक है। अब हमको पता है कि जब भी हमारे पास कहीं कैटायन है,
उसके साथ क्या होगा, हमारे पास एनायन भी होगा, ठीक है। और ये क्या होंगे, हमारे पास अलग अलग तो होंगे नहीं, ये बॉन्ड बनाएंगे। तो अगर हमारे पास केटायन है, अगर कोई मान लीजिए एनायन है, मान लीजिए न्यूक्लियोफाइल है, तो ये क्या होगा हमारे पास, कुछ इस तरह से एग्जिस्ट करेगा, ठीक है। तो हम आइसोलेट क्या करना चाहते थे, हम कार्बोकेटायन को आइसोलेट करना चाहते थे, पर सोल्यूशन तो हमारा क्या होता है, ओवरऑल न्यूट्रल होता है। तो हमारे पास हमको क्या मिल जाएगा, ये मिल जाएगा, ठीक है। तो ओला के पास यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी कि हम इसको कैसे आइसोलेट करें, ठीक है। हाउ टू आइसोलेट दिस, हाउ टू आइसोलेट कार्बोकेटायन, ठीक है। तो ओला ने क्या सोचा कि अगर हम ऐसा इसका काउंटर पार्ट, मतलब कि नेगेटिव वाला पार्ट ऐसा बना दें कि वो बहुत ही स्टेबल हो, अगर इसको हम बहुत ही स्टेबल बना दें तो क्या होगा कि केटायन भी अलग रहेगा, एनायन भी अलग रहेगा, दोनों सोल्यूशन में रहेंगे, ओवरऑल सोल्यूशन तो न्यूट्रल रहेगा, पर केटायन और एनायन क्या रहेंगे, अलग अलग रहेंगे। जैसे दो लोग हैं तो एक ही रूम में, पर वो क्या है, एक दूसरे से अलग अलग है, ठीक है। सो ओलाज आइडिया वॉज टू हैव अ सोल्यूशन कंटेनिंग नो न्यूक्लियोफाइल्स, ठीक है। एनी केटायन मस्ट हैव एनायन टू बैलेंस द चार्ज, क्योंकि हमारे पास ओवरऑल सोल्यूशन कैसा रहना चाहिए, न्यूट्रल रहना चाहिए। सो द इम्पोर्टेंट एडवांस वॉज टू फाइंड एनायंस, ठीक है, कंसिस्टिंग अ निगेटिवली चार्ज एटम सराउंडेड बाई टाइटली हेल्ड हैलोजन एटम्स विच आर जस्ट टू स्टेबल टू बी न्यूक्लियोफिलिक, ठीक है। मतलब कि अभी ये एनायंस कैसे होना चाहिए, हमारे पास बी एफ फोर माइनस, पी एफ सिक्स माइनस और एस बी एफ सिक्स माइनस, ठीक है। ये एस बी एफ सिक्स माइनस है, अब इनमें क्या स्पेशल है, अब देखिए बी एफ फोर माइनस में हमारे पास क्या होगा, बी एफ फोर माइनस में क्या होगा, हमारे पास जो हमारे पास निगेटिव चार्ज है वो किससे स्टेबलाइज होगा, हमारे पास चार फ्लोरीन जो लिगेंड्स है उनसे स्टेबलाइज होगा, ठीक है। हमको पता है कि फ्लोरीन का क्या कर लेगा, माइनस आई इफेक्ट लगाएगा, माइनस माइनस आई इफेक्ट से क्या करेगा, हमारे पास जो बोरान पे चार्ज है, नेगेटिव चार्ज, उसको क्या करेगा, स्टेबलाइज करेगा। सिमिलरली हमारे पास फॉस्फोरस के साथ छह फ्लोरीन लिगेंड्स है, यहाँ पे एंटीमनी के साथ छह फ्लोरीन लिगेंड्स है, ठीक है। इन दीज एनायंस द नेगेटिव चार्ज डज नॉट करेस्पॉन्ड टू लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, सही बात है, क्योंकि हमारे पास बी एफ फोर माइनस कब बना होगा, जब एफ माइनस बी एफ थ्री से रिएक्ट किया होगा तो बी एफ फोर माइनस बना होगा, ठीक है। तो बी एफ फोर माइनस भी निगेटिव चार्ज लोन पेयर को इंडिकेट नहीं कर रहा है। ओके, सो ओला वॉज एबल टू टर्न एल्कोहल्स इंटू कार्बोकेटायंस विद दिस काउंटर एनायंस, ठीक है। अब हम आगे वाली स्लाइड में पढ़ेंगे कि हम ये ओला ने कैसे प्रिपेयर किया, ठीक है। ओला ने इसको, इस कार्बोकेटायन को कैसे प्रिपेयर किया, इसका कैसे एनएमआर स्टडी किया, ये भी हम नेक्स्ट स्लाइड में पढ़ेंगे, ठीक है। तो ओला ने इसको कैसे प्रिपेयर किया, इसको कैसे हमने इसका कैसा एनएमआर स्टडी किया, तो अभी हम देख लेते हैं। टर्सरी ब्यूटेनॉल को उन्होंने लिया था एसबीएफ साइज, एसबीएफ के साथ एचएफ एसिड के साथ लिक्विड एसओटू में, ठीक है। तो अभी हम नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं, ये चीज बता रहा है, ठीक है। अब इस ओला ने इसको प्रिपेयर कैसे किया, ठीक है। उन्होंने क्या लिया, हमारे पास सबसे पहले क्या लिया, 3 डिग्री अल्कोहल लिया, क्या लिया, 3 डिग्री अल्कोहल लिया, क्योंकि हमको 3 डिग्री कार्बोकेटायन चाहिए। तो 3 डिग्री कार्बोकेटायन कहाँ से मिला हमको, 3 डिग्री अल्कोहल से मिलेगा, ठीक है। फिर हमने, उन्होंने क्या लिया, एसिड लिया, एसिड क्या लिया उन्होंने, एचएफ हाइड्रोफ्लोरिक एसिड लिया, राइट। तो सबसे पहले क्या हुआ, न्यूक्लियोफाइल यहाँ पर क्या है, 3 डिग्री अल्कोहल में जो ऑक्सीजन का लोन पेयर है वो क्या करेगा, OH2+ में कन्वर्ट हो गया, यहाँ से क्या एफ माइनस, और SbF5 हमारे पास क्या है, SbF5 भी हमारे पास क्या होगा, नॉन न्यूक्लियोफिलिक एनायन के लिए हमारे पास क्या है, रिएक्टेंट है। तो एफ माइनस क्या करेगा, SbF5 पर अटैक करेगा, क्योंकि इसके पास क्या है, हमारे पास वैकेंट डी ऑर्बिटल है, ये कैसा है, हमारे पास स्टेबल, राइट। स्टेबल क्यों है, क्योंकि यहाँ पे देखिए 6 फ्लोरीन है हमारे पास, तो ये किस क्या करेंगे, नेगेटिव चार्ज को क्या करेंगे, स्टेबलाइज कर देंगे, और हमारे पास ये क्या है, इसको हम अब आइसोलेट कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि इसको अब हम आइसोलेट कर सकते हैं। अब इसको आइसोलेट कर दिए तो इसका हम एनएमआर भी स्टडी कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए कार्बन की जो पीक आई है वो कितनी आई है, 47.5 ppm, और देखिए इस कार्बन की कितनी पीक आई है, देखिए हमारे पास 320.6 ppm, ठीक है। जनरली हम स्टडी कितना करते हैं, 0 से 220 ppm पे हम 13 से NMR का स्टडी करते हैं, पर यहाँ पे देखिए सरप्राइजिंग बात क्या है, जो हमारे पास कार्बोकेटायन होता है वो आउट ऑफ रेंज आ रहा है, मतलब कि इसकी पीक देखिए कितनी है, 320.6 ppm, जो कि हमारे पास एरोमेटिक रीजन, जब एल्डिहाइड रीजन के भी नहीं आती है, हमारे पास जो 200 से 220 में क्या आता है, हमारे पास जनरली एल्डिहाइड, कीटोन, यही सब आते हैं, तो इनसे ज़्यादा भी इसकी पीक है, ठीक है। तो पॉजिटिव चार्ज के कारण यहाँ पे इलेक्ट्रॉन एफिशिएंसी इतनी बढ़ गई है कि हमारे पास देखिए जो एनएमआर रीजन है वो क्या आ रहा है, 320 के रीजन में आ रहा है। ओके, अब देखिए हमारे स्टेबिलिटी की बात करते हैं, सेफ की बात हमने कर ली। तो एल्काइल सब्सटीट्यूएंट जो होते हैं हमारे पास,
वो क्या करते हैं, कार्बोक्टेन को स्टेबलाइज करते हैं, ठीक है। ये थोड़ा आपने पढ़ा भी होगा, जितने ज्यादा सब्सटेंट बढ़ते जाते हैं उतनी ज्यादा स्टेबिलिटी। ऐसा क्यों होता है हमारे पास, ऐसा क्यों होता है, ऐसा एक इफेक्ट होता है जिसको हम क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, हाइपर कंजुगेशन, ठीक है। तो हाइपर कंजुगेशन में क्या होता है, हमारे पास सिग्मा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का हमारे पास डोनेशन होता है, इसको हम मतलब कि इट इज अ काइंड ऑफ रिजोनेंस, ओके। बट किसका रिजोनेंस होता है हमारे पास, पाई इलेक्ट्रॉन ही सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स का, ठीक है। तो ओला फाउंड दैट ही कुड मेजर द स्पेक्ट्रम ऑफ टर्शियरी ब्यूटाइल केटायन बट ही वॉज नेवर एबल टू ऑब्जर्व द मिथाइल केटायन इन सोल्यूशन, ठीक है। तो उनको मिथाइल केटायन स्टेबल मतलब ये सोल्यूशन में नहीं मिला, क्योंकि ये क्या है, हाईली अनस्टेबल है, ये क्या हमारे पास हाईली अनस्टेबल है। सो वाई डू दिस एक्स्ट्रा सब्सटेंट स्टेबलाइज द केटायनिक सेंटर, ओके। यही हमारे पास क्वेश्चन है, एनी चार्ज ऑर्गेनिक इंटरमीडिएट इज इनहेरेंटली स्टेबल बिकॉज ऑफ द चार्ज, ठीक है। क्यों अनस्टेबल होता है, क्योंकि हमारे पास चार्ज, हमको पता है कि हमारे पास जो न्यूट्रल स्पीसीज होती है वो स्टेबल होती है कंपेयर टू आयनिक स्पीसीज, ठीक है। आयनिक स्पीसीज हमारे पास स्टेबल नहीं होती क्योंकि इसके पास चार्ज होता है, चाहे केटायन हो चाहे एनायन हो, ठीक है। तो अगर इसको हमको स्टेबलाइज करना है तो हमको इस आयनिक स्पीसीज को हमको थोड़ा न्यूट्रल बनाना होगा। अगर इस आयनिक स्पीसीज को हमको न्यूट्रल बना लें तो हम स्टेबिलिटी को गेन कर सकते हैं। अब इस आयनिक, मान लीजिए कोई पॉजिटिव चार्ज है, इसको इनका न्यूट्रल बनाना है तो आप क्या करेंगे, नेगेटिव चार्ज इसको देते जाएंगे, इसको नेगेटिव चार्ज देते जाएंगे, ठीक है। अब इस नेगेटिव चार्ज हम यहाँ पे किस फॉर्म में दे सकते हैं, हम यहाँ पे इलेक्ट्रॉन के फॉर्म में से दे सकते हैं, ठीक है। अब इलेक्ट्रॉन्स कहाँ होते हैं हमारे पास, बॉन्ड्स में होते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रॉन्स कहाँ होते हैं हमारे पास, जो बॉन्ड्स में होते हैं, ठीक है, ओके। वीक डोनेशन ऑफ सिग्मा बॉन्ड इलेक्ट्रॉन्स इन टू एमपीटी पी ऑर्बिटल ऑफ केटायन, ठीक है। ये सब हमारे पास क्या है, सिग्मा बॉन्ड है, ये सब हमारे पास क्या है, सिग्मा बॉन्ड है, ठीक है। तो हमारे पास जो सिग्मा बॉन्ड है ये क्या करेंगे, इस अपनी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को डोनेट करेंगे हमारे पास एमपीटी पी ऑर्बिटल में, ठीक है। एमपीटी पी ऑर्बिटल में क्या करेंगे, ये डोनेट करेंगे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को। तो ये क्या करेंगे, एक तरह से स्टेबलाइज कर रहे हैं, क्योंकि चार्ज स्पीसीज को तो ये हल्का सा न्यूट्रल बना रहे हैं, और उनको पता है न्यूट्रल स्पीसीज क्या होती हैं, स्टेबल होती हैं, ठीक है। तो इन टर्शियरी ब्यूटाइल केटायन थ्री ऑफ दिस डोनेशन ऑकर एट एनी वन टाइम, ठीक है। इनमें से कोई भी हो सकता है, चाहे ये हो चाहे ये हो चाहे वो। तो हमको पता है जितने ज़्यादा हमारे पास अल्फा हाइड्रोजन्स होंगे, ये हमारे पास क्या है, अल्फा हाइड्रोजन, ठीक है। इसीलिए हम बोलते हैं नंबर ऑफ हाइपर कंजुगेशन स्ट्रक्चर क्या होते हैं हमारे पास, नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन के प्रोपोर्शन होते हैं, जितने ज़्यादा अल्फा हाइड्रोजन होंगे उतने ज़्यादा हमारे पास स्टेबल। ओके, तो क्या मैंने बोला था, मैंने बोला था कि जो प्लेनरिटी होती है बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है कार्बोकेटायन के फॉर्मेशन में। अगर कार्बोकेटायन प्लेनर नहीं है तो उसका फॉर्मेशन नहीं होगा, ठीक है। तो कार्बोकेटायन को क्या होना चाहिए, कार्बोकेटायन जब प्लेनर होगा तभी उसका फॉर्मेशन पॉसिबल होगा, ठीक है। कार्बोकेटायन जब प्लेनर होगा तभी उसका फॉर्मेशन क्या होगा, पॉसिबल होगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए क्या है, यहाँ पे देखिए कार्बोकेटायन अगर फॉर्म होगा तो इसका स्ट्रक्चर कैसा होगा, टेट्राहेड्रल होगा, ठीक है। पर टेट्राहेड्रल में हमको पता है कि कार्बोकेटायन का फॉर्मेशन नहीं होता है, वो कब होता है, जब प्लेनर होता है, और यहाँ पे प्लेनर हो नहीं सकता क्योंकि हमारे पास कैसा, ये ब्रिज हेड है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास SN1 रिएक्शन पॉसिबल नहीं है, ठीक है। क्या यहाँ पे SN2 रिएक्शन पॉसिबल है, SN2 के लिए क्या होना चाहिए, यहाँ पास न्यूक्लियोफाइल को बैक साइड से अटैक करना है, पर ये देखिए इसको क्या मिलेगा, ब्रिज हेड पोजीशन यहीं पे दिख जाएगी, तो यहाँ पे बैक साइड अटैक भी पॉसिबल नहीं है, ठीक है। SN1 तो पॉसिबल था ही नहीं, SN2 भी पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे ब्रिज हेड कार्बोकेटायन में SN1 भी पॉसिबल नहीं है, पर SN2 भी पॉसिबल नहीं है, दोनों ही पॉसिबल नहीं है। मान लीजिए आपको, ठीक है, मान लीजिए SN1 SN2 दोनों पॉसिबल नहीं है, ठीक है, पर आपको यहाँ पे कुछ X से हमको COH बनाना है, ठीक है। अब SN1 भी पॉसिबल नहीं है, SN2 भी पॉसिबल नहीं, तो क्या हम इस प्रोडक्ट को फॉर्मेशन कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, ठीक है। इस प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हम कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, आप सोचिएगा थोड़ा, ठीक है, वीडियो पॉज करके। मैंने ऑर्गेनोमेटालिक चैप्टर में बताया था कि इसको हम कैसे फॉर्मेशन कर सकते हैं। मान लीजिए हमारे पास रिएक्टेंट है, ये एक्स हमारे पास क्या है, ब्रोमीन है, ठीक है, ब्रोमीन हाइड्रोजन है। इसको हम क्या करेंगे, इसको सबसे पहले ग्रिग्नार्ड एजेंट कन्वर्ट कर देंगे। ग्रिग्नार्ड एजेंट में क्या लिखते हैं, मैग्नीशियम और ईथर सॉल्वेंट ले लेंगे, ठीक है। यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारे पास MgBr, ठीक है। इसके बाद हम इसको क्या करेंगे, CO2 और इन प्रेजेंस ऑफ एसिड ट्रीट करेंगे, तो यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगा, CH4 फॉर्मेशन हो जाएगा, ठीक है। तो ये ना ही हमारे पास ये SN1 मैकेनिज्म से जा रही है, ना ही SN2 से जा रही है, ठीक है। हमारे पास ग्रिग्नार्ड एजेंट का फॉर्मेशन हो रहा है, ठीक है, उस पाथवे से जा रही है, इसलिए हमको ये प्रोडक्ट मिल गया, ठीक है। तो ब्रिज हेड कार्बोकेटायन पर आपको याद रखना है कि ना ही SN1 रिएक्शन होती है, ना ही SN2 रिएक्शन होती है, ठीक है, दोनों रिएक्शन पॉसिबल नहीं है। देखिए कुछ एग्जांपल्स हैं हमारे पास, इन एग्जांपल्स में हमको क्या मिलेगा, 3 डिग्री कार्बोकेटायन मिलेगा, ठीक है। यहाँ पे सबसे पहले क्या होगा, हमारे पास अल्कोहल है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, OH2+ फॉर्मेशन हो जाएगा, फिर यहाँ से क्या होगा, वाटर लीव कर जाएगा सिस्टम से, और क्या होगा हमारे पास, 3 डिग्री कार्बोकेटायन, ठीक है। ये क्या हमारे पास 3 डिग्री कार्बोकेटायन।
अब 3D के कार्बोक्राइन हमारे पास किस टाइप से रिएक्शन दिखाता है, SN1 रिएक्शन दिखाता है। अब इस पर सिंपली क्या होगा, वाटर का अटैक हो जाएगा, या अगर I माइनस है तो I माइनस का अटैक हो जाएगा, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पे भी है, यहाँ पे हमारे पास क्या है, ये सल्फर सेंटर न्यूक्लियोफाइल है, यहाँ पे क्या हो जाएगा OH2+ इस कार्बोक्राइन का फॉर्मेशन हो जाएगा। यहाँ पे भी हमारे पास क्या है, सेम रिएक्शन है। यहाँ पे देखिए क्या है, हमारे पास 2 डिग्री कार्बोक्राइन का फॉर्मेशन होगा, PH, यहाँ पे क्या होगा OH2+ 2 डिग्री कार्बोक्राइन का फॉर्मेशन तो हो रहा है, पर हमको ये कार्बोक्राइन स्टेबलाइज क्यों है, क्योंकि यहाँ पास क्या है, फिनाइल रिंग है, ठीक है। तो फिनाइल रिंग या एलाइलिक कार्बोक्राइन कैसे स्टेबलाइज करते हैं, इसको हम आगे देखते हैं। तो जो एडजेसेंट डबल बॉन्ड होता है, सी डबल बॉन्ड सी, या फिर हमारे पास पाई सिस्टम, वो कार्बोक्राइन को स्टेबलाइज करता है, ठीक है। तो एलाइलिक और बेंजाइलिक कार्बोक्राइन हमारे पास कैसे होते हैं, स्टेबल होते हैं, ठीक है। अब देखिए हमारे पास क्या है, एलाइलिक कार्बोक्राइन है, यहाँ पे हमको पता है क्या है, प्लेनर होता है, और यहाँ पे हमारे पास क्या होगा, वैकेंट पी ऑर्बिटल होगा, ठीक है। अब कोई भी हमको पता है कि आयनिक स्पीसीज क्या होती है, कम स्टेबल होती है कंपेयर टू न्यूट्रल स्पीसीज, ठीक है। न्यूट्रल स्पीसीज हमारे पास क्या होती है, मोर स्टेबल देन आयनिक स्पीसीज, ठीक है। तो आयनिक स्पीसीज को अगर हम कुछ ना कुछ न्यूट्रल की तरफ ले जाएं तो क्या हो जाएगी, स्टेबल हो जाएगी, ठीक है। मान लीजिए हमारे पास क्या है, कार्बोकेटायन है, ठीक है, कार्बोकेटायन मान लीजिए कुछ भी है, CH3+ कुछ भी है, अगर इसको हम न्यूट्रल बना दें, ठीक है, इसको अगर हम इलेक्ट्रॉन्स डोनेट कर दें एक तरह से, तो ये क्या होगा, हमारे पास मोर स्टेबल होगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए इलेक्ट्रॉन डोनेशन किस तरह हो रहा है, पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, जो पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो MPT पी ऑर्बिटल में डोनेट हो रही है, ठीक है। टर्शियरी कार्बोकेटायन्स आर मोर स्टेबल देन प्राइमरी वंस, ठीक है, ये तुमको पता है, क्योंकि हमारे पास हाइपर कंजुगेशन स्ट्रक्चर्स होते हैं वहाँ पे, बट पावरफुल स्टेबलाइजेशन इज ऑल्सो प्रोवाइडेड वेन देयर इज जेन्युइन कंजुगेशन बिटवीन MPTP ऑर्बिटल एंड एडजेसेंट पाई और लोन पेयर, ठीक है। तो हमारे पास एलाइल कार्बोकेटायन स्टेबल होगा, इसी तरह हमारे पास फिनाइल कार्बोकेटायन भी स्टेबल होगा, ठीक है। ये क्या होगा हमारे पास, फिनाइल, ठीक है, ये भी तो हमारे पास एलाइलिक टाइप का सिस्टम ही है, इसको ध्यान से देखिए, ये भी तो एलाइलिक टाइप का सिस्टम ही है। यहाँ से पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या होगी हमारे पास, ये मान लीजिए पी ऑर्बिटल है, ये पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या होगी, पी ऑर्बिटल में डोनेट हो जाएगी, तो ये भी क्या हमारे पास, स्टेबल होगी। इसी तरह हमारे पास अगर किसी आइटम के पास लोन पेयर है, मान लीजिए क्या OMeCH2+, ठीक है, यहाँ पे क्या होगा, लोन पेयर इस पी ऑर्बिटल में डेंसिटी डोनेट कर सकता है, और ये क्या होगा हमारे पास एक तरह से, ठीक है। तो अगर हमारे पास कार्बोकेटायन के नेक्स्ट अगर कोई लोन पेयर है, या फिर हमारे पास एलाइलिक या बेंजाइलिक टाइप का है, तो वो क्या होगा, स्टेबल होगा, ठीक है। ये कुछ सिंपल से एग्जांपल्स हैं, यहाँ पे हमारे पास क्या है, एलाइलिक अल्कोहल है, ये क्या है हमारे पास, एलाइलिक अल्कोहल है, और कैसा है, 2 डिग्री अल्काइल, 2 डिग्री एलाइलिक अल्कोहल है, इसकी हमने एसिड से ट्रीटमेंट की है, एसिड क्या करेगा हमको H+ प्रोवाइड कराएगा, किसमें कन्वर्ट हो गया OH2+ में, ये क्या होगा हमारे पास वाटर सिस्टम से निकल जाएगा, फिर हमको क्या मिल जाएगा, 2 डिग्री एलाइलिक कार्बोकेटायन, ठीक है। ये क्या होगा हमारे पास, इसके साथ रेजोनेंस में भी होगा, ये देखिए रेजोनेंस में भी है, तो चाहे इस पोजीशन पे अटैक हो चाहे इस पोजीशन पे अटैक हो, हमको सेम ही प्रोडक्ट मिल रहा है, क्योंकि हमारे पास क्या सिमेट्रिक कार्बोकेटायन है, तो हमको यहाँ पे क्या मिल जाएगा, एलाइलिक ब्रोमाइड मिल जाएगा। अब यहाँ से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये दो स्लाइड्स, नेक्स्ट दो स्लाइड बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जैम 2021 में सेम एग्जाम्पल ये पूछा गया था, ठीक है। तो देखिए हमारे पास क्या है, हमारे पास सेम रिएक्टेंट है डिफरेंट रिएक्टेंट है, Butene-1-ol और Butene-3-2-ol, ठीक है। हमने SBR से ट्रीटमेंट किया है और हमको सेम प्रोडक्ट मिल रहा है, ठीक है, 80% अमाउंट में सेम प्रोडक्ट मिल रहा है। हमारे पास रिएक्टेंट डिफरेंट है पर हमको प्रोडक्ट क्या मिल रहा है, सेम मिल रहा है, क्योंकि दोनों क्या हमारे पास सेम इंटरमीडिएट के थ्रू जा रहे हैं, दोनों हमारे पास क्या जा रहे हैं, सेम इंटरमीडिएट के थ्रू जा रहे हैं, ठीक है। तो सबसे पहले देखते हैं हमारे पास Butene-1-ol है, एसिड से हमने ट्रीटमेंट किया, H+ इसको मिला, OH2+ मिल गया, Butene-3-ol को हमने एसिड से ट्रीट किया, यहाँ पे हमको OH2+ मिल गया, ठीक है। तो हमको यहाँ से क्या कार्बोकेटायन मिल गया, यहाँ हमको 1 डिग्री एलाइलिक कार्बोकेटायन मिला, यहाँ से हमको 1 डिग्री एलाइलिक कार्बोकेटायन मिला, यहाँ से हमको क्या मिला, 2 डिग्री एलाइलिक कार्बोकेटायन, ठीक है। अगर आप स्टेबिलिटी पे बात करें तो स्टेबिलिटी में क्या होगा, 2 डिग्री एलाइलिक मोर स्टेबल होगा 1 डिग्री एलाइलिक से, ठीक है। पर आपको याद रखना है, जब भी हमारे पास एलाइलिक वाला कॉन्सेप्ट आए तो आपको याद रखना है कि अटैक कहाँ पे होगा, अटैक हमारे पास लेस हिंडर्ड साइट ऑफ एलाइलिक पोजीशन, ठीक है, लेस हिंडर्ड साइट ऑफ एलाइलिक पोजीशन, ठीक है। तो लेस हिंडर्ड साइट कौन सी है, ये तो हमारे पास मोर हिंडर्ड साइट है, ये क्या हमारे पास मोर हिंडर्ड, ये क्या हमारे पास लेस हिंडर्ड, ये हमारे पास क्या है लेस हिंडर्ड, ठीक है। तो लेस हिंडर्ड साइड इसलिए हमारे पास क्या मिल रहा है, 80% मिल रहा है,
जबकि हमारे पास 20% मिल रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास स्टेरिक फैक्टर जो है वो क्या होता है, डोमिनेट करता है कंपेयर टू इलेक्ट्रॉनिक फैक्टर। तो हमको क्या करना है, जो लेस इंडेक्स साइड होगी लाइली पोजिशन की वहीं पर ट्रैक कराना है, ठीक है। अब इस एग्जाम्पल को देखते हैं, इससे आपके कॉन्सेप्ट और क्लियर जाएंगे कि हमारे पास क्या है, 2-methyl-butyl-2-ol, ठीक है। यहाँ पे हमको कार्बोकेटाइन का कौन सा फॉर्मेशन होगा, ये कार्बोकेटाइन है, ध्यान से देखिएगा, ये हमारे पास क्या है, कार्बोकेटाइन, ठीक है। ये हमारे पास कैसा है, 3° एलाइलिक है, ये कैसा है, 3° एलाइलिक। ये किसके साथ कंजुगेशन में होगा, डबल बॉन्ड CH2+, ठीक है। तो यहाँ पे ब्रोमाइड इस पर अटैक कर सकता है, इस पोजिशन पर ब्रोमाइड इस पर अटैक कर सकता है, ठीक है। स्टेबिलिटी की अगर देखें तो आपका 3° एलाइलिक मोर स्टेबल है, पर हमको क्या याद रखना है कि एलाइलिक पोजिशन, एलाइलिक जब भी केस आए तो अटैक कहाँ होगा हमारे पास, लेस हिंडर्ड साइट ऑफ एलाइलिक पोजिशन, आपको याद रखना है लेस हिंडर्ड साइट ऑफ एलाइलिक पोजिशन पर अटैक होगा, ठीक है। तो हमारे पास ये लेस हिंडर्ड साइट कौन सी है, ये वाली लेस हिंडर्ड साइट है, ये तो नहीं है। तो हमारे पास प्रोडक्ट क्या होगा, हमारे पास प्रैनिल ब्रोमाइड 1-bromo-3-methyl-butane, ठीक है। तो इस लेक्चर में हमने काफी चीज डिस्कस की, सबसे पहले हमने एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम डिस्कस किया SN1 रिएक्शन का, उसमें हमने देखा कि दो ट्रांजिशन स्टेट स्टेबल होती हैं, मतलब दो ट्रांजिशन स्टेट पॉसिबल होती हैं। तो उसमें जो फर्स्ट ट्रांजिशन स्टेट है वो हायर एनर्जी वाली होती है, इसलिए वहां पे हमारे पास क्या है, रीडिटरमाइनिंग स्टेप होती है, ठीक है। उसके बाद हमने कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी देखी, उसका शेप देखा, प्लेनर शेप देखा हमने, कार्बोकेटाइन प्लेनर क्यों होता है, ठीक है। उसके बाद हमने स्टेबिलिटी देखी कि कैसा हाइपर कंजुगेशन हमारे पास कार्बोकेटाइन को स्टेबलाइज करता है। फिर हमने कुछ रिएक्शन देखी जहाँ पे 3° कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन हो रहा था और 2° कार्बोकेटाइन का भी फॉर्मेशन हो रहा था, पर वो SN1 रिएक्शन से क्यों जा रहा था, क्योंकि हमारे पास जो एलाइलिक और बेंजाइलिक कार्बोकेटाइन होते हैं वो स्टेबल होते हैं। फिर लास्ट में हमने ये देखा कि हमारे पास जो लेस हिंडर्ड साइड पे होती है एलाइलिक पोजीशन पे, वो अटैक क्या होता है, डोमिनेट करता है, ठीक है। तो इस लेक्चर में हमने काफी सारी चीजें सीखी हैं, हमने ITJM में जो रिसेंटली क्वेश्चन पूछा गया था उस क्वेश्चन को भी डिस्कस किया। सो आई होप आपके कई सारे कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।